शबारा बस भी कर दू। कैसे बस कर दू अम्मी, आग लगी हुई है इस वक्त मेरे अंदर। क्या समझ रहे थे हम उस लड़की को, और वो अंदर ही अंदर क्या खेल रचा गई हमें पता भी नहीं चला। अरे मैंने तो पहले ही तुझे मना किया था, तूने ही समझदारी से काम नहीं लिया कि आग घुस आई है तेरे घर में, झुलसा के रख देगी सारे घर को। लेकिन उसने ये सब किया कैसे? बालिश भर की लड़की मेरे जेठ के लिए रिश्ता तय कराई, वो जेठ जो मेरी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं लेते, और उनको देखो हाँ भी कराए। ये सब आतिका का किया धरा है। तैयबा को इसी मकसद के लिए वो यहाँ लाई थी, और वो समझती है कि वो कामयाब हो गई, हालांकि बिल्कुल कामयाब नहीं हुई। और कैसे कामयाब होते हैं अम्मी, सब कुछ तो हो गया, बाकी क्या बचा है? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो जबानी रिश्ता हुआ, बाकी सारे मामला तो वैसे पड़े हैं। हाँ, वो भी तय हो जाएगा जैसे कि रिश्ता तय हुआ। अरे खाली खुली जबानी बातों से कुछ नहीं होता, मुझे जरा ये पता चल जाए कि ये लड़की है कौन आखिर, जिसको इन्होंने लाके मेरी बच्ची के मुकाबले में खड़ा कर दिया। अम्मी सबसे पहले ना आप उस तैयबा का इलाज करें, उसको मेरे घर से रवाना करें, मैं उसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा इस लड़की का, पर मुझे समझ नहीं आती कि ये मेरी मासूम बच्ची के सुख के पीछे क्यों पड़ गए सब के सब। या अल्लाह तू ही कोई मदद फरमा, ये क्या हो रहा है सब, मसला ठीक कर दे मेरे मालिक, रहम कर दे, रहम।